हेलो दोस्तों, मैं आकाश शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिमी में स्थित छिंदवाड़ा जिला के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सभी जिला के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। दोस्तों, छिंदवाड़ा नामकरण छिंद के वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम छिंदवाड़ा पड़ा। एक समय पर यहाँ पर शेरों की बहुलता थी, इसलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता था। दोस्तों, छिंदवाड़ा जिले की सीमा दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर जिले से, उत्तर में होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिला से, पश्चिम में बैतूल एवं पूर्व में सिवनी जिले से लगी हुई है। दोस्तों, प्रशासनिक सेवाएं की बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यह जिला आदिवासी संस्कृति एवं भौगोलिक स्थिति के कारण यह अन्य जिलों से इसकी अलग पहचान बनाता है। दोस्तों, छिंदवाड़ा जिला के अंतर्गत 13 तहसील छिंदवाड़ा, तामिया, परासिया, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, पंदुरना, बिछुआ, उमरेट, मोहखेड़, चांद और हर्रई, 11 विकास ब्लॉक, 7 नगर पालिका तथा 1948 गांव आते हैं। दोस्तों, 2011 के जनगणना अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 20,90,922 है, जिसमें फीमेल पॉपुलेशन 10,26,454 तथा मेल पॉपुलेशन 10,64,468 है। वहीं बात जनसंख्या घनत्व की करें तो छिंदवाड़ा की जनसंख्या घनत्व 177 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर का है। छिंदवाड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में पहले नंबर पर है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 3.85% है। दोस्तों, छिंदवाड़ा का सेक्स रेशियो 964 महिला प्रति 956 पुरुष है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। और यह आंकड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग लड़कों और लड़कियों में कुछ भी फर्क नहीं करते हैं। इस लाजवाब खूबी के लिए लाइक तो बनता है। दोस्तों, धर्म के आधार पर देखा जाए तो छिंदवाड़ा जिला में हिंदू 92.01%, मुस्लिम 4.82%, बौद्ध 1.17% तथा बाकी के अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। बात करें सड़क मार्ग की तो दोस्तों, छिंदवाड़ा अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी तरफ है। यहां से भोपाल की दूरी 286 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिला छिंदवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग 26B, 69 और 69A राजमार्ग गुजरते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा शहर को जोड़ने वाले इन शहरों से टैक्सियां और बसें भी आसानी से उपलब्ध हैं। वहीं छिंदवाड़ा में एक अच्छी तरह से स्थापित रेलवे नेटवर्क है। छिंदवाड़ा शहर से नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा जंक्शन है। कुछ अन्य रेलवे स्टेशन भी है, जैसे परासिया, जुन्नारदेव और पांडुरना। तथा दोस्तों, दिल्ली के लिए एक सीधी ट्रेन अर्थात पातालकोट एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है। यह रेलवे के माध्यम से इंदौर से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वही बात करें हवाई मार्ग की तो छिंदवाड़ा से निकटतम हवाई अड्डा नागपुर हवाई अड्डा है। तथा दोस्तों, छिंदवाड़ा भोपाल जबलपुर एयरपोर्ट के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है, जो भारत के अन्य प्रमुख शहरों के साथ हवाई मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जबलपुर पहुंचने के बाद कोई सड़क या रेल मार्ग द्वारा छिंदवाड़ा पहुंच सकता है। दोस्तों, छिंदवाड़ा में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। छिंदवाड़ा का साक्षरता दर 71.16% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 79.04% है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 63.01% है। दोस्तों, छिंदवाड़ा में कई सारे शिक्षा संस्थान हैं। टॉप 10 स्कूलों में विद्याभूमि पब्लिक स्कूल, फर्स्ट स्टेट हायर सेकेंडरी विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा, महर्षि विद्या मंदिर छिंदवाड़ा, जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल, एडिफे विद्यालय छिंदवाड़ा, ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा, भगवान श्रीचंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल। वही कॉलेजों में डेनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गीता वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छिंदवाड़ा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एडमिन ब्लॉक आदि प्रमुख है। दोस्तों, बात अगर स्वास्थ्य सेवाओं की जाए तो ग्लोरी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा, आनंद अस्पताल छिंदवाड़ा, रेलवे हॉस्पिटल, सोनारे मुल्ती स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉ ईजा तिवारी खरे मैटरनिटी एंड सर्जिकल सेंटर, निर्मला अस्पताल छिंदवाड़ा, विवंता क्रिटिकल केयर छिंदवाड़ा, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा।
आदि प्रमुख रूप से शामिल है, जहां इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, छिंदवाड़ा में घूमने के लिए इतनी रमणीय जगह है कि एक बार जाने के बाद आप वहां की खूबसूरती में खो जाएंगे। छिंदवाड़ा के कुछ लाजवाब पर्यटन स्थलों में पातालकोट, छोटा महादेव, गुफा तामिया, देवगढ़ किला, मोहखेड़, कुकड़ी खापा जलप्रपात, कपूरदा माता मंदिर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आदि छिंदवाड़ा के प्रमुख धरोहरें हैं, जहां आप अपने मन शांति तथा दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, छिंदवाड़ा जिला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।